नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नन्हे राम निषाद से नया भारत दर्पण समाचार की बातचीत। सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नन्हे राम निषाद ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हम सब सिपाही हैं जो चुनाव लड़ेगा, हम लोग उनका साथ देंगे और निषाद समुदाय इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी भीम निषाद के साथ है, इस बार किसी के कहने में नहीं आएगा। नन्हे राम निषाद ने कहा, जिस प्रकार से हमारे समाज को डॉक्टर संजय निषाद खोखला कर रहे हैं, अब निषाद समुदाय उनके कहने में नहीं आएगा और गठबंधन के प्रत्याशी भीम निषाद को जीत दिलाकर दिल्ली भेजेगा। आइए जानते हैं नया भारत दर्पण समाचार की टीम से क्या हुई बातचीत नन्हे राम निषाद से। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ हरिकेश यादव की रिपोर्ट। सर, जैसे देखा जाए भीम निषाद की समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी, तो कितना फर्क पड़ेगा? अब भीम निषाद जी आए हैं, पहली बार निषाद को टिकट मिला है और हमारा निषाद बिरादरी करीब 77 साल से भटका इधर उधर, हर पार्टी को वोट दिया है और अच्छे खासे में वोट दिया है। इस बार हमारे बिरादरी के निषाद बिरादरी के भाई भीम निषाद जी आए हैं और बहुत फर्क पड़ेगा, करीब 90-95% निषाद बिरादरी भीम भाई के साथ में। जैसे देखा जाए कि अभी कुछ पार्टी में आपके दो पार्ट चल रहे थे, कहीं उधर तो कहीं इधर, ये सब क्या मामला था? अब भैया ऐसा है, क्योंकि जो हमने देखा है करीब 25 साल के अनुभव है जो हमारा है, किसी को पछता नहीं है निषाद बिरादरी वो भी आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो कुछ फर्क पड़ेगा यार? भैया देखिए, संजय निषाद का काम है माल बंटवाना, तो हर आदमी वैसे नहीं रहता है और उनका काम है कि जो हमारी छोटी जातियाँ हैं बिरादरी, उनका ना बात रखना, ना बात उठाना, न कहीं सड़क चकरोड और तमाम तरीके के जो उत्पीड़न होता है छोटी जातियों का, वो उनको ना एक पैसे कहीं बोलना है ना चलना है, सिर्फ राजनीति करते हैं, हम भी बने रहें और माल पूरा खाते रहें, तो उनका वही काम है और यहाँ असर नहीं होगा, चाहे संजय आए चाहे संजय पूरा खानदान आ जाए, यहाँ से कोई बदलने वाला नहीं। निषाद भाई जम के वोट भीम निषाद को करने जा रहा है। हाँ, ये है कि हर जातियों में कुछ परसेंट इधर उधर होता है, उसको हम मानने के लिए तैयार हैं और 4-6% जो निषाद पार्टी का कठिन टोपी लगाने वाले हैं वो जा सकते हैं। जैसे देखा जाए अभी आपके विधानसभा महोबा में जिस दिन भीम निषाद का पहला कार्यक्रम सर आ रहे थे, उसमें एक छात्र सभा का जिला उपाध्यक्ष जी टेलर से उसकी दर्दनाक मौत हो गई, उसका परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलना चाह रहा है, लेकिन महुआ में देखा जाए सभी अपने आप को करीबी बता दें लेकिन कोई उनके परिवार की बात सुनने के लिए नहीं रह रहा है। ऐसा है, वो राजू यादव हमारे बहुत बहुत खास संपर्क में रहने वाले बेचारे थे, लेकिन अब क्या बताएं, कुछ परेशानियों की वजह से अब कह नहीं सकते कि बेचारे इतने जल्दी यहाँ से अलविदा हो गए। फिलहाल अगर उनके परिवार के लोग अगर अखिलेश भैया से मिलना चाहते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद मिलवा दूंगा और वो धैर्य बनाए रखें, मैं खुद ले चल के अखिलेश भैया से मिलवा के लाऊंगा, क्योंकि हम उतनी उस तरीके की राजनीति नहीं करते कि हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अखिलेश भैया तक पहुँचे और जब अखिलेश भैया के पास पहुँचे एक लंबा डोज वहाँ से मिलता है, एक एनर्जी मिलती है शरीर के अंदर, लोग बढ़ चढ़ के काम करते हैं, तो उनके परिवार को मैं आपके दोबारा फिर कहना चाहता हूं कि मैं मिलवाने का पूरा गारंटी देता हूं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं जिलेवासियों को? जिलेवासियों को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे वोटर हैं पूरा लोकसभा सुल्तानपुर के, सब भाई भीम निषाद को वोट करें पूरा जम करके और सरकार को चेंज करें, इस आताताई सरकार को बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ से भगा के और नई ऊर्जा लाए, क्योंकि इतना ये सोचते हैं कि जहाँ हैं वहीं पड़े रहें, तो बहुत कुछ ऐसे अराजक तत्व लोग हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो सक्रिय संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन से जुड़े हैं और अखिलेश भैया से जुड़े हैं, वो सब साफ हैं।
देखा जाए तो अभी एक आपका आरडीओ वायरल हो गया था जिला अध्यक्ष के माध्यम से, लेकिन पूरा श्रेय जितने जिले के आपके पदाधिकारी नेतागण हैं सब आपके ऊपर दे रहे हैं कि वही जिले का आरडीओ काम कर गया कि भीम निषाद का टिकट बच गया, इस पे क्या कहने जा रहे हैं? अब इस पे बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि टिकट अखिलेश भैया का काम है देना और हटाना, और बीच बीच में जो भैया नेता हैं वो सोचते हैं कि हम ही कह दें तो टिकट चेंज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो अखिलेश भैया का काम है किसी को टिकट देना, किसी को हटाना, किसी का टिकट चेंज करना उनका काम है। बीच में जो छोटे मोटे नेता हैं जो गारंटी लेते हैं मैं तुमको टिकट दिलवा दूंगा, उनको टिकट दिलवा दूंगा, तमाम कमीशन खोरी इधर उधर करते रहते हैं, तो उनका काम है, बाकी यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग का जो बड़े नेता हैं अखिलेश भैया हैं, हम लोग उन्हीं के कहने पे चलते हैं, उन्हीं के जो विचारधारा है उनकी विचारधारा हम लोग चलते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ से बीजेपी से सांसद मेनका गांधी जी हैं तो लड़ाई तो यहाँ कांटे की बनेगी। अरे ठीक है, लड़ाई हर हम ये मानते हैं जो हमने देखा है हर समय शासन में एक ही पार्टी नहीं बनी जाती है, ये आप समझ लीजिए। आदमी कितना भी जम के काम करे वोटर चेंज कर देता है। इस समय पूरा माहौल है और पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने जा रही है, आप देख लेना, और बीजेपी यहाँ से एकदम नष्ट नाबूद हो जाएगी, फिर पनपेगी नहीं 50 साल, क्योंकि इनका जो बीजेपी का कार्यशैली है बहुत तो इतना गड़बड़ है छोटी जातियों के लिए कि वो जहर है, पूरा जहर का काम करती है। और पूरा जो SC OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं इनको पूरा नष्टोनाबूद करने पे लगी है। ये लोग सोचते हैं कि हम ही राजा बन के बैठे हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं। सारी पोल सारी चीज़ें खुल चुकी है, अब वोटर एक एक वोटर समझ चुका है कि हमको कहाँ रहना है। तो इस बार भीम निषाद को वोट करने जा रहा है और जम के वोट होगी, आप देखेंगे इतना अंतराल होगा आप चौंक जाएंगे। जैसे देखा जाए अगर कि अभी आपके पार्टी के स्पीडर किया जा रहा है, छोटे लोग कितने एक मिनट का काम है उनको हटाना, तो इसलिए मैं एक एक वोटर से कह रहा हूं और हाथ जोड़ के विनती है कि समाजवादी पार्टी को वोट करें और भीम निषाद को यहां से सांसद बना के भेजें। और भीम निषाद ऐसे शख्स हैं कि रक्षा सुरक्षा हर चीज करेंगे, और जो उनको बहुत छोटा समझते हैं उनके चेहरे और उनकी चाल से उनके रूप रेखा से वो भूल जाए। बहुत गजब के आदमी हैं भीम निषाद, और कभी कभी भीम निषाद और इस्तेमाल करने लगते हैं भीम का फार्मूला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सही आदमी है, जिस दिन सांसद बनेंगे एक नई ऊर्जा मिलेगी सुल्तानपुर वासियों को, और काम भी रहेगा, और जो यहाँ से जो उत्पीड़न करने वाले हैं वो थोड़ा डाउन हो जाए। बीजेपी तो इस बार कह रही है कि 400 पार, और यहाँ के बीजेपी के कुछ नेताओं कह रहे हैं कि माता जी यहाँ तो आपकी 8 लाख पार होंगी। अरे भैया 8 लाख कहाँ पाएंगे, जब भयंकर पूरा वो था बीजेपी का पूरा चर्चा था, तो 8 लाख तक नहीं पाए तो आज कहाँ पा जाएंगे वो। हमारा निषाद बिरादरी और यहाँ से 2 बार बीजेपी को अच्छा खासा वोट पोल किया है करीब 90%, और इस बार वो 90% वोट समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है, और 400 पार का सपना ना देखें, और ये 200 तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र सरकार से यहां से सफाया होने जा रहा है और सरकार चेंज। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे, आप 2014 हार गए, 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, इस बार कैसे बेड़ा पार पाएंगे आप? भैया 50 साल से बीजेपी हारती हुई चली आ रही थी, कहाँ कोई नाम लेने वाला था। जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी उससे लोग धीरे धीरे ऊब गए, और ऊब करके वोट बीजेपी को किया कि हमारा कुछ भला होगा। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट और आप समझ लीजिए पूरा एकदम जो गरीब तबका लोग है, जो छोटा कास्ट के लोग हैं, उनका एकदम पूरा सत्यानाश करने पे लगी हुई है, और इसीलिए पूरा जो वोटर हैं, जो छोटी कास्ट हैं, जो समझ रहे हैं कि हमको क्या करना है, तो जम जम के
वोट होने जा रहा है समाजवादी पार्टी को, और पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, और जनता पूरा बदलाव करने जा रही है। इस खबर में बस इतना ही, बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।